नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंदिर दो ही काल में तोड़े गए, एक तो मुगल काल, दूसरा मोदी काल। मोदी काल में विकास की आड़ में तोड़े जा रहे, तब मजहब के नाम पर तोड़े जा रहे थे। जब ये गुजरात के सीएम थे, तब इन्होंने गांधीनगर में 80 के करीब मंदिर तोड़वाए। जब ये साईं मंदिर तोड़वा रहे थे, तब अशोक सिंघल जी का बयान है कि लगता है कि गजनी का शासन आ गया है। ये मामला वहीं नहीं थमा, क्योंकि मोदी शुरू से हिंदुओं से नफरत करते हैं, सनातन धर्म से नफरत करते हैं। अब मंदिर जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि पापी वोट का सवाल है। जैसा कि आपने सुना है, कई बार मैंने वो वीडियो चलाए भी है, जब विदेश की धरती पर होते हैं तो मूर्तियों का मजाक उड़ाते हैं। भारत में फोटो सेशन के लिए मंदिर तो जाना ही पड़ता है। और अब जैसा कि आपने काशी में देखा था, मास्टर स्ट्रोकवादियों ने उसको डिफेंड कर लिया कि वहां विकास हो रहा था। अयोध्या में देख लीजिए, पुरी में देख लीजिए, महाकाल में देख लीजिए, हर जगह कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि एक धन उगाही का स्रोत है और वो एक टूरिस्ट जोन बनता जा रहा है। अब ताजा मामला दिल्ली का है, लोग डटे रहे उस मंदिर को बचाने के लिए। लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। अब यहां सवाल होंगे कि मोदी या केजरीवाल, 5 जुलाई 2022 की बात है, केंद्र सरकार 53 मंदिर को तोड़ना चाहते थे, जिसके खिलाफ दिल्ली विधानसभा ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो आज अगर कहीं भी मंदिर टूट रहे, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मोदी की है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। और अब क्यों नहीं मानते, आप समझ सकते हैं कि कौन से वो सोच के लोग हैं जो बुत प्रस्ती को हराम मानते हैं। और संगम विहार में लोग डटे रहे, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई थी। ये पुलिस किसके अधीन है? अमित शाह के। कुछ गिने चुने लोग थे, उनको जबरन हटा दिया गया और फिर मंदिर को तोड़ दिया गया। संगम विहार सी ब्लॉक में शंकर भगवान के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों को विरोध करने के बाद अभी तक 10 से 12 लोगों को डिटेन किया गया है। यही है, हिंदुओं में एकता होती तो आज यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को बचा लेते। है किसी के माई के लाल में दम आके बचाए भगवान के मंदिर का। लोग केवल हर जगह बोलते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कोई आके कुछ कर सके। देखिए, मंदिर का बोर्ड भी हटा लिया गया। दिल इतना आहत है कि क्या बताएं। मुझे भी छत पर डिटेन करके बैठा लिया गया है। मैं भी पुलिस कस्टडी में सामने वाले घर में बैठाया गया हूँ। तो ये नया भारत है, जहां भी देखे
विकास के आड़े सिर्फ मंदिर आ रहे हैं। कोई चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कहीं आँच भी नहीं आ सकता, तोड़ा हर तरफ मंदिर जा रहा है। लेकिन इसमें भी विकास तलाशा जा रहा है, ये विकास नहीं है। ये सब काम दीन के लिए हो रहे हैं और दीन के अनुसार बुत परस्ती हराम है, जिसकी वजह से हर जगह जो प्राचीन मंदिरें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और नया भारत में शायद एक समय आए कि ये बता दिया जाए कि सनातन धर्म उतना पुराना नहीं है। तो पुराने ये मंदिर सिर्फ नहीं तोड़े जा रहे, साक्ष्य मिटाया जा रहा है। ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। अब जिसको ब्लेम करना है कर सकते हैं, लेकिन प्रमाण झूठ नहीं बोलते। और प्रमाण एक ही है कि मोदी काल, जो कि मंदिरों के विध्वंस के मामले में मुगल काल को भी पीछे छोड़ चुके हैं, कैसा ये विकास हो रहा है भगवान जाने। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।